हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग। और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल। और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी मैं हूँ थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के ट्री टाउन एरिया में। और मैं बिल्कुल जो ट्री टाउन का जो फूड एरिया अभी फ़िलहाल हुआ वहीं पर ही बैठा हूँ, क्योंकि यार मैं निकला था बाहर सोई बखाओ पे आपको कुछ नया दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो बरसात है उसका भी फ़िलहाल कोई भरोसा नहीं है। कभी भी बरसात स्टार्ट होती है तो यार थोड़ा सा बरसात स्टार्ट हो गया था और मौसम लिटरली कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लाउड जो है बहुत ज़्यादा डार्क है, तो कभी भी तेज़ बरसात आ सकती है। तो यार मैंने सोचा कि यार बाहर से अच्छा है कि अपने आज कहीं बैठकर और कुछ आपके जो सवाल हैं, कुछ आपके जो क्वेश्चन हैं, और कल से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास में आ रहे हैं अबाउट कि इंडियंस के लिए थाईलैंड कब ओपन होगा। तो सोचा कि यार चलिए आज आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसके बारे में कुछ आपसे बात की जाए और एग्जैक्ट जो अभी यहाँ पर जो चल रहा है वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मेरे काफ़ी सारे भाई मुझसे ऑलरेडी पूछ चुके हैं, वो लोग भी पूछ चुके हैं जो यहाँ पर अक्सर पत्या में आते हैं, और वो लोग भी पूछ चुके हैं जो अभी तक पत्या में नहीं आए हैं। तो वो क्वेश्चन है कि यार जब हम लोग पत्या में कहीं भी घूमने के लिए निकलते हैं, मान लीजिए होटल से बाहर या अपने रिजॉर्ट से बाहर कहीं भी हम लोग घूमने जाते हैं, राइट, तो क्या हमको अपना जो पासपोर्ट है अपने साथ कैरी करना पड़ेगा, अपनी जेब में रखकर चलना पड़ेगा। तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मान लीजिए अगर आप पत्या में आपके होटल में रह रहे हैं, आप रिजॉर्ट में रह रहे हैं और आप पत्या के अंदर कहीं घूमना चाहते हैं, तो यार सिंपल एक चीज़ करिए, आप आपका जो पासपोर्ट है आप उसका एक पिक्चर क्लिक करिए आपके पासपोर्ट का फ्रंट पेज का, लास्ट पेज का, और आपके पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगा है उस वीज़ा का भी एक पिक्चर जो है आप लोग क्लिक करके अपने पास पे रखिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए जो आपका पासपोर्ट है आप उसका एक जेरोक्स करा सकते हैं, जो फोटो कॉपी हम लोग बोलते हैं उसका फोटो कॉपी करा लीजिए फ्रंट पेज का, लास्ट पेज का, और जो आपका वीज़ा है जिस पर आपका लिखा हुआ है कि आपका जो अराइवल डेट है और आपका जो डिपार्चर डेट का जो स्टैम्प लगता है पासपोर्ट के ऊपर, जो वीज़ा का स्टैम्प लगता है उसका एक आप लोग जेरोक्स करा कर अपनी जेब में रख सकते हैं। और आप इजीली कहीं भी वॉक कर सकते हैं। अगर आपको कभी कोई रोकता भी है कि शो योर पासपोर्ट, तो यू कैन शो दैट, आप मोबाइल में भी दिखा सकते हैं और आपके पास में अगर उसका जेरोक्स कॉपी है, फोटो कॉपी है, तो आप वो भी दिखा सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यार हर जगह पर आप जाएँ और हर जगह पर अपना जो पासपोर्ट आपके साथ में कैरी करें, क्योंकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है यार कि अगर यहाँ पर कहीं भी मिसप्लेस हो गया तो आप जानते हैं कि यार कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और फिलहाल यार थोड़ा बरसात का टाइम है तो बाहर तो जा नहीं सकता, तो यहाँ बैठने के लिए कुछ फूड भी ऑर्डर करना पड़ता है। तो ये मैंने आज ऑर्डर किया, ये है मेरा फूड, आप लोग देख सकते हैं यार, तो बहुत ही यम्मी और बहुत ही सस्ता फूड मिलता है यहाँ पर ट्री टाउन में। तो काफ़ी आप भी लोग शाम को अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहें पत्या के अंदर सोई बखाओ में, ट्री टाउन में, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, बिंदास आप लोग आइए, यहाँ पर हर तरह का फूड है, आप लोग यार आके एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग हैं आज यहाँ पर और जो फूड एंजॉय कर रहे हैं, राइट। तो चलिए ये तो हो गई फूड की बात, और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और दूसरा सवाल जो मेरे एक भाई ने पूछा, उन्होंने ऐसा बोला कि बाबा मान लीजिए हम थाईलैंड में आते हैं और हम लोग के पास में ऑन अराइवल वीज़ा है, ऑन अराइवल वीज़ा जो 15 दिन का हुआ करता था, जो ये कोविड का जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ इससे पहले, आई डोंट नो फ्यूचर में अभी कौन सा वीज़ा होगा, किस वीज़ा पर आप लोग वहाँ से ट्रैवल करके लाइक इंडिया से ट्रैवल करके आप लोग यहाँ पर आएंगे थाईलैंड में, क्योंकि और अभी जो चल रहा है वो आप लोग जानते हैं कि किसी भी कंट्री के लोग हो उनको थाई एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है और जो सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री होता है COE वो लेना पड़ता है वहाँ से। लेकिन ये है अभी की बात, लेकिन जो ऑन अराइवल वीज़ा जो यहाँ पर हुआ करता था और फ्यूचर में भी ऑन अराइवल वीज़ा डेफिनेटली होगा, तो ऑन अराइवल वीज़ा पे हम लोग यहाँ पर जब स्टे करते हैं, मान लीजिए ऑन अराइवल वीज़ा हमको 15 दिन के लिए मिलता है, अरे 15 दिन के बाद यार हमारा दिल करता है कि हम यहाँ पर कुछ दिन और रुक जाएँ, यहाँ पर हम लोग अपना जो ऑन अराइवल वीज़ा है उसको यहाँ पर एक्सटेंड करा लें, राइट। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो इसका आंसर ये है मेरे भाई कि बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए आप ऑनरेबल वीज़ा लेकर यहाँ पर आते हो ना, आपके पास सिर्फ 15 दिन का वीज़ा और 15 दिन आपके फिनिश हो जाते हैं और उसके बाद आप कुछ दिन और यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं, तो उसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि यार आपको पता है कि जोमटियन एरिया में जाना पड़ेगा, और जोमटियन में जो सोई 5 है गली नंबर 5 वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिस है, आप इमिग्रेशन ऑफिस में जाएंगे, आप वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा एक्सटेंड करने के लिए, और आप जो मैक्सिमम है आप लोग एक हफ़्ता एक्सटेंड कर सकते हैं आपका ऑनरेबल वीज़ा 7 डेज़ के लिए। तो 7 डेज़ का जो फीस होता है वो होता है लगभग 1900 बात, तो 1900 बात में आप लोग जो आपका ऑन अराइवल वीज़ा है आप उसको एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए यार कि एक तो आपको आपका पासपोर्ट तो लेके जाना ही पड़ेगा साथ में, क्योंकि उस पर वो स्टैंप लगाएंगे। उसके अलावा आपको आपका होटल का बुकिंग दिखाना पड़ेगा कि आप एक हफ्ता और कहाँ पर स्टे करने वाले हैं, राइट। तो बस यही चीज़ें, और उसके साथ में उसमें एक या दो पासपोर्ट साइज आपके फोटोग्राफ होते हैं जो उसमें लगते हैं। अगर आपके पास फोटोग्राफ नहीं है तो इमिग्रेशन ऑफिस में पास में एक फोटोग्राफर भी, आप वहीं से वो पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हैं, राइट। तो यार ये जो 1900 बात है आप तभी स्पेंड
करिए अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप दो या तीन दिन से ज़्यादा रुकने वाले हैं, बिकॉज अगर आप दो या तीन दिन एक्सटेंड करना चाहते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा आप रुकते हैं राइट, तो जिस टाइम पर आप यहाँ से वापस निकलेंगे इंडिया के लिए, आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, आप इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो आपका पासपोर्ट देखेगा, पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प देखेगा कि यार आपका जो वीज़ा है वो ऑलरेडी फिनिश हो गया और आपने दो या तीन दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर स्टे कर लिया है राइट। तो वो यार एक आदमी को बुलाएगा पीछे से, और पीछे लाइक इमिग्रेशन काउंटर के बिल्कुल बैक साइड पर यहाँ पर एक काउंटर होता है जहाँ पर आप जितने भी दिन आप ओवर स्टे हुए, मान लीजिए आप एक दिन या दो दिन यहाँ पर ज़्यादा रुक के यहाँ से वापस जा रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन अराइवल वीज़ा राइट, तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पर दो दिन ज़्यादा रुक के जा रहे हैं तो यार पर डे का जो यहाँ पर फाइन होता है वो होता है 500 baht आपको वन डे। अगर आप लोग दो दिन यहाँ पर ओवर स्टे हो गए, दो दिन ज़्यादा रुक गए, तो आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के साथ साथ वो 1000 जो फाइन है वो वहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगा, आप इंडिया जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यार आप लोग जब ऑनरेबल वीज़ा पे आते हैं, आपके पास जब 15 दिन का वीज़ा होता है, तो अगर आप 15 दिन से ज़्यादा रुकना चाहते हैं तो आपके पास लगभग 1 हफ्ता और होगा एक्स्ट्रा यहाँ पर रुकने के लिए। अगर आप लोग यहाँ पर रुकना चाहें तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा इमिग्रेशन ऑफिस और लेना पड़ेगा 1 हफ्ते का एक्सटेंशन राइट। और अब अपने बात करते हैं उस सवाल की जो काफ़ी दिन से मेरे भाई में से पूछ रहे हैं, और अभी कह सकते हैं कि अक्सर मेरे से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या थाईलैंड पूरी तरह से जो लोग वैक्सीनेट हैं उनके लिए ओपन हो रहा है, क्या थाईलैंड इंडिया के लिए ओपन हो रहा है उन लोगों के लिए जो वैक्सीनेट है, क्या पत्या भी उन लोगों के लिए ओपन हो रहा है जो वैक्सीनेट है राइट। तो यार इस सवाल का सिर्फ फिलहाल मेरे पास में एक ही जवाब है कि नहीं, अभी ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है कि जो थाईलैंड है वो पूरी तरह से ओपन हो रहा है राइट। लेकिन इस बात में एक जो छोटी सी सच्चाई है वो ये है कि हाँ, यहाँ पर जो कुछ जो सिटीज़ है, जैसे आपने देखा कि पहले जो फुकेत था वो ओपन हुआ, वहाँ पे एक प्लान रखा गया जो था सैंडबॉक्स, तो इसी तरह के जो प्लान्स हैं वो अलग अलग सिटीज़ के लिए अलग अलग प्लान्स रखे गए हैं, कहीं पर 7+7 है, कहीं पर सैंडबॉक्स है, कहीं पर ट्रैवल बबल है, तो और ऐसा ही एक प्लान पत्या के लिए भी फिलहाल एक प्रपोजल रखा गया है, वो कन्फर्म नहीं है, बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एक प्रपोजल रखा गया है, एक प्लान रखा गया है जिसका नाम है बबल एंड सेफ एंड सील्ड। तो यार ये एक ऐसा प्लान है कि जिसमें आपको जैसे आप बात कर सकते हैं सैंडबॉक्स का, फुकेत का, तो आपको कुछ होटल्स दिए गए थे जहाँ पर आपको स्टे करना था, उन्हीं होटल्स में जाकर आप लोग स्टे कर सकते थे। ऐसे ही यहाँ पर पत्या के अंदर कुछ रिजॉर्ट्स होंगे, आपको कुछ रिजॉर्ट्स दिए जाएंगे जिस रिजॉर्ट में आपको जाकर स्टे करना पड़ेगा अगर ये प्लान इम्प्लीमेंट होता है उसके बाद राइट। अब तक ऐसी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन इस प्लान के तहत अगर ये प्लान यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है तो आपको रिजॉर्ट्स दिए जाएंगे, आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा, और जो यहाँ पर जो कोविड के जो टेस्ट होंगे आपके टेस्ट किए जाएंगे, तो जो पहले जो आपके दो टेस्ट होंगे वो जो दो टेस्ट की जो रिपोर्ट्स होंगी वो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपके पास मैक्सिमम आ जाएंगी। तो 3 से 7 दिन आपको मिनिमम वो रिजॉर्ट्स में रिजॉर्ट के जो प्रमाइसिस होगा, जो उसकी 4 दीवारी है, उसके अंदर रहना है। लेकिन आप रिजॉर्ट के अंदर उसके अंदर जितनी भी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास जिम है, आपके पास स्विमिंग पूल है, आपके पास रेस्टोरेंट्स है, जो भी फैसिलिटीज़ उस रिजॉर्ट की होंगी वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसके प्रमाइसिस में आप घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपकी जो ये जो रिपोर्ट्स आएंगी, जो पहले जो दो कोविड टेस्ट होंगे उसकी जो रिपोर्ट्स आएंगी, अगर वो आपकी नेगेटिव आती है रिपोर्ट्स, आप उसके अंदर लाइक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, तो आप उस 4 दीवारी के बाहर जाकर घूम सकते हैं, और जो भी जो पत्या के अंदर जो लोकल जो एक्टिविटीज़ हैं, जो साइट सीन है, आप जाना चाहते हैं, आप नोंगनोच गार्डन जाना चाहते हैं, आप आइसलैंड जाना चाहते हैं, आप वाटर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं राइट। लेकिन ये सिर्फ एक प्रपोजल है, ऐसा कोई भी कन्फर्मेशन अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है, मैं आपको कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देना चाहता यार जो जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई बेस ना हो। आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे यार कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप लोग पत्या की बात करें, तो पत्या की एक अच्छी बात यह है कि पत्या में अभी जो वैक्सीनेशन है वॉज वेरी फास्ट, बहुत ही तेज़ी से पत्या को वैक्सीनेट किया जा रहा है, और जो 70% जो टारगेट है कि मिनिमम जो लोकल पॉपुलेशन है, जो मतलब लाइक पत्या के अंदर लोग हैं, उनको 70% वैक्सीनेट कर दिया जाए ताकि जो टूरिज़्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो सके, तो उसके ऊपर बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम भी किया जा रहा है, और बहुत जल्दी हो सकता है यार आप लोग वो जो एक अच्छी न्यूज़ है वो सुनने को भी मिल जाएगी, थाईलैंड ओपन हो रहा है फॉर वैक्सीनेटेड पीपल राइट। लेकिन अभी भी ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज होंगी, कौन कौन सी कंट्रीज के लोगों को ये अलाउ करेंगे, तो अभी तक ऐसी कोई भी कंफर्मेशन फिलहाल यहां पर नहीं है। लेकिन एक कंफर्मेशन है, वो कंफर्मेशन ये है कि अक्टूबर में कुछ ना कुछ होने वाला है, तो होप फॉर द बेस्ट यार कि जो भी हो वो अपने लिए अच्छा हो, और फटाफट आप लोग भी यहां पर आए और अपने सब यार साथ में मिले और यहां पर इंजॉय करें। और अगर आप बात करें पता है कि नाइट लाइफ की, तो यहां की जो नाइट लाइफ है वो लगभग 10 अप्रैल से पूरी तरह से बंद है, और फिलहाल नाइट
लाइफ को लेके अभी भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि नाइट लाइफ यहाँ पर कब ओपन होगी। फिलहाल जो अभी यहाँ पर जो रात की जो रिस्ट्रिक्शन है, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का जो एक आप लोग कर्फ्यू कह सकते हैं वो अभी भी यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है अभी वो लोकल जो डोमेस्टिक जो टूरिज्म होता है उस पर भी बहुत वर्क कर रही है कि पत्या के अंदर अभी इंटरनेशनली जो एटलीस्ट जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए भी एक अच्छा खासा यहाँ पर यार जोर आप कह सकते हैं जोर लगाया जा रहा है कि यार जितना जल्दी हो पत्या को वापस से खड़ा किया जाए और पत्या को तैयार किया जाए फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। तो बस यही थी कुछ जानकारी जो मेरे पास थी, जो मैंने यहाँ की न्यूज़ में देखी, जो मैंने यहाँ के आर्टिकल्स में पढ़ी। तो मैंने सोचा कि जो जानकारी आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि यार मेरे काफ़ी सारे भाई मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कल से जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कि यार क्या पत्या ओपन हो रहा है, क्या थाईलैंड ओपन हो रहा है फॉर वैक्सीनेटेड पीपल। तो यार एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि थाईलैंड इस चीज़ के ऊपर बहुत बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, बहुत जल्दी आपको अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। लेकिन अगर आप अभी की बात करें तो अभी फिलहाल ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि थाईलैंड फुली ओपन फॉर वैक्सीनेटेड पीपल फ्रॉम अनदर कंट्रीज, राइट? बिकॉज यार आप खुद समझ सकते हैं कि यार यहाँ पर फ्लाइट, चलो मैं बोलता हूँ एक टाइम पे इन्होंने इन्वाइट कर भी दिया, लेकिन अभी तो यार जो बाकी की कंट्री है यहाँ पर अपनी कंट्रीज की भी बात कर सकते हैं, क्या अपनी कंट्री से फ्लाइट उड़ेगी, क्या अपनी कंट्री अलाउ करेगी? तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मैटर करती है। तो आई होप यार जो भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो यार यही थी कुछ जानकारी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। और इसके अलावा मेरे सभी भाइयों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको गणेश चतुर्थी बहुत 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 मुबारक हो। गणपति बाबा आप सबको यार खुश रखे, आपकी जो भी कह सकते हैं कि जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करें, वो इतनी ताकत दे कि जो ये टाइम चल रहा है आप लोग इससे अच्छे से लड़ सकें। तो बस यही थी कुछ चीज़ें जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी। आई होप जो भी जानकारी मैंने आज आपको दी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कुछ नया आ गया है। और अगर अभी भी आप इन सब चीज़ों के बारे में मेरे से कुछ भी जानना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके साथ बात करूंगा और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। वो इतना ही था अभी के लिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए। भूलेगा नहीं मेरा नाम, मैं हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा गुड। See ya.